हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हमारी ये जो सीरीज है उसका हम पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सीरीज है हमारी टाइम टू एक्ट, जहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशंस और उसके लिए आपके रिस्पॉन्सेस को नोट करते हैं और उसके थ्रू हम कुछ लर्न करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। सो केस 5 एक बड़ी ही अनोखी कहानी है। एक सिचुएशन है जो मैं आप सबको दूंगा एंड मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे, राइट, कि आप क्या सोचते हो कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करोगे। ठीक है। इट्स अ वेरी क्लासिक केस ऑफ एन इम्पोवरिश्ड फैमिली मैन, राइट। एक गरीब परिवार का एक आदमी है बनाम वर्सेस रिसर्चिंग साइंटिस्ट। ये कैसी कहानी है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक रिसर्चर है, शोध वैज्ञानिक है, और दूसरी साइड पे खड़ा है हमारा इम्पोवरिश्ड फैमिली मैन। ठीक है। और आप किसे चुनोगे? चलिए समझते हैं सवाल को थोड़े विस्तार से और फिर वेट करूंगा मैं आपके जवाब के लिए। मान लीजिए कि आपके पास अभी 10,000 रुपये हैं। ठीक है। तो ऑल आर गिवन 10,000 रुपीज, राइट। और आपको एक कंडीशन दी जाती है। ठीक है। आपको एक कंडीशन दी जाती है कि आपको ये 10,000 रुपये स्पेंड करने हैं। ठीक है। और स्पेंड कैसे करने हैं? एनी वन पर्सन की हेल्प करनी है, राइट। आपको क्या करना है? दो में से एक इंसान की हेल्प करनी है। हियर यू कैन नॉट डिवाइड द मनी इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है। मतलब आप जो भी पैसा दोगे वो पूरा का पूरा है, राइट, 100% विल बी गिवन टू वन ऑफ दी टू कैंडिडेट्स। ठीक है। मान लो कि आपको एक टास्क मिला है और टास्क में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये 10,000 रुपये अपने विजडम के हिसाब से स्पेंड करने हैं। कहाँ पे स्पेंड करने हैं? समझते मिलते हमारे कैरेक्टर ए से। कैरेक्टर ए है भीमबेटका का मिस्टर इम्पोवरिश्ड मैन, इम्पोवरिश्ड मैन। ठीक है। आईपी मैन बोलेंगे हम उसे। ये इंसान ऐसा है जो बेचारा 10 लोगों की फैमिली है, मतलब उसकी फैमिली में 10 फैमिली मेंबर्स है और उनकी हालत ये है कि वो सब लोग सुबह से भूखे हैं। ठीक है। उनको सुबह से कोई खाना नहीं मिला, 10 लोग भूखे हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है, राइट। और अगर आप इन लोगों को 10,000 रुपये दोगे, राइट, तो ये लोग एटलीस्ट नेक्स्ट 15 दिनों तक आराम से खाना खा पाएंगे और लाइफ जी पाएंगे। ठीक है। लाइफ प्लस फूड यू आर प्रोवाइडिंग टू 10 पीपल, राइट। एक सिचुएशन, एक चॉइस है आपके पास। आईपी मैन, दैट इज इम्पोवरिश्ड मैन, एक गरीब पर फैमिली वाले इंसान की कहानी है जहाँ पे उसके छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े दादा भी हैं, और पर ज्यादा उसके बच्चे, एक दादा है डेमोग्राफिक डिफाइन करूँ तो, उसका एक बेटा है और बेटे और उसकी बहू है और उसके 6-7 बच्चे हैं, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। ये सब लोग भूखे हैं। ठीक है। और मे बी इसका भाई भी है और बच्चे 5 कर लो, सम वॉट ऑफ कॉम्बिनेशन लाइक दिस। ठीक है। तो ये है हमारे एक आईपी मैन, इम्पोवरिश्ड मैन की कहानी, एक गरीब परिवार वाले इंसान की रिक्वायरमेंट। आप इनको 10,000 रुपये दोगे तो इसको 15 दिन का खाना मिल जाएगा, 15 दिन ये लोग लाइफ को जी पाएंगे, राइट। दूसरी चॉइस है, यहाँ पे एक रिसर्चर है। ठीक है। एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है। ठीक है। एक शोधकर्ता है। ठीक है। वैज्ञानिक है, समझ लीजिए ना, एक वैज्ञानिक है। और ये वैज्ञानिक क्या कर रहा है? वैज्ञानिक एक फंडामेंटल रिसर्च कर रहा है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? मतलब कोई ना कोई आप नया तरीका ढूंढते हो, नई थियरी ढूंढने का ट्राई करते हो, कोई नेचर के प्रिंसिपल को ढूंढने का प्रयास करते हो। ठीक है। और उसके चांसेस है सफल होने के 50% और फेल होने के चांसेस भी है 50%। और ये आपसे पैसे मांग रहा है कि भाई हमें आप 10,000 रुपये दे दीजिए तो मैं मेरे रिसर्च को आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है। समझ रहे हो आप सिचुएशन?
सो ये हमारा रिसर्चर साइंटिस्ट RS है, मिस्टर RS, राइट, भीमबेटका वाले मिस्टर रिसर्चर साइंटिस्ट है, और दूसरी जगह पे हमारे भीमबेटका वाले यूनिवर्स से है इम्पोवरिश्ड मैन, एक गरीब परिवार वाला आदमी, और आपके पास है 10,000 रुपए। सो सीधी तरीके से मैं बोलूँ तो आपके पास चॉइस बहुत सिंपल है, आप किसे चुनोगे, राइट? हुम विल यू चूज? विल यू चूज अ पर्सन, राइट, हु इज पुअर एंड हु डजंट हैव द रिसोर्सेज टू ईट इवन, ही इज अ 10 फैमिली मेंबर्स एंड इफ यू गिव देम फूड दे विल हैव अ लाइफ फॉर 15 डेज इंक्लूडिंग फूड। On the other hand, there is a researcher who is doing a fundamental research, which is a probability of being successful only 50%, and he is demanding the rupees for his fundamental research, right? और फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको पैसे देने हैं तो आप किसको दोगे, और सबसे ज्यादा सवाल है क्यों, राइट? सो दो सवाल है, आप किसको पैसे दोगे, राइट, टू हुम यू विल गिव दिस मनी, एंड मोर इम्पोर्टेंट इज एक्सप्लेन योर रीजंस, बराबर, आप क्यों उसे चूज कर रहे हो ओवर दी अदर्स, काइंडली इलाबरेट इट इन दी एज डिस्क्रिप्टिव मैनर एज यू कैन, ठीक है? हो सके तो मेंस का आंसर लिख रहे हो, या इथिक्स का केस स्टडी लिख रहे हो, राइट, या इंटरव्यू में समझा रहे हो, ऐसे मुझे लिखिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, एंड होपफुली जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो भी आपको उसका भी इंतजार रहेगा, ठीक है? सो ये रहा आज का प्रश्न, ये रही आज की सिचुएशन। तो हम हमारे आज के स्टडी 5 में एक गरीब परिवार वर्सेस शोध वैज्ञानिक को रखते हुए, आपके सवाल का इंतजार करते हुए ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ तक रहेगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसका सच वाला आंसर दे, सही वाला नहीं, ठीक है? आप जो करने वाले वो बताइए, जो अच्छा लगे वो मत बताना, ठीक है? आप सच में हो तो आप क्या करोगे अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है? सो इसी के साथ हम हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ तक लगते हैं, होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में, देखते रहिए ये चैनल, बाय बाय, टेक केयर।